हैं सिंक कोपलिंग दिखाने से पहले हमारा चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और घंटी को क्लिक कर दें। चलिए देखते हैं सिंक कोपलिंग। देखिए ये नया मॉडल का सिंक कोपलिंग है, देख सकते हैं आप अच्छी से। ये सिंक कोपलिंग में क्या खूबी है ये चीज़ भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए सिंक कोपलिंग में क्या खूबी है, हम ये दिख से निकाल रहे हैं। देखिए ये निकल गया, खूबी क्या है ये चीज़ देखिए। देखिए ये सिंक कोपलिंग में देखिए एक ढक्कन ये दिया हुआ है, किनारे किनारे पूरा वाशर दिया हुआ है इसका, देख सकते हैं आप। ये सिंक कोपलिंग में देखिए एक बाल्टी जैसा अंदर में दिया हुआ है। ये आपका बाल्टी इसलिए दिया गया है अगर कचड़ा उचड़ा जाम हो तो इसको निकाल करके आप साफ़ कर सकते हैं, इधर ऐसे डाल करके साफ़ कर सकते हैं और फिर इसमें डाल दीजिए। देखिए इसमें और एक खूबी है, ये सिंक कोपलिंग में कभी भी बहुत सा सिंक कोपलिंग में ऐसा होता है कि यहाँ पर आपका थ्रेड दिया रहता है चूड़ी का टाइट करने का, तो यहाँ पर कचड़ा आकर के जाम हो जाता है। जाम होने से आपको सिंक कोपलिंग ख़राब लगेगा देखने में, बोलेंगे जाम हो जा रहा, पानी जाम हो जाने से ठीक नहीं लगता है सिंक कोपलिंग में। ये सिंक कोपलिंग में ये खूबी है, देखिए यहाँ बीच में आप ये चीज़ होल देख सकते हैं, अंदर में ये होल है, ये देखिए यहाँ पे एक होल है। ये होल से आपका कचरा एक ज़रा रुकेगा ही नहीं, जो भी कचरा बर्तन धोएं खाना उना कुछ भी हो वो चला जाएगा बह करके। ये खूबी है इसमें, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आप ये कोपलिंग को आराम से आप लगा सकते हैं, अपने से भी ले करके लगा सकते हैं दुकान में अगर ख़रीद करके। देखिए ये चीज़ है, ये चीज़ जो है देखिए देख रहे हैं ना, ये वाशर की तरह है, चूड़ी बना हुआ है इधर। बस सबसे पहला काम कीजिए ये वाशर जो है इसको आप निकाल दीजिए, और निकालने के बाद सिंक में इसको डाल दीजिए, ऐसे डाल दिए सिंक में। सिंक में डालने के बाद ये वाशर को ज़रूर से ज़रूर इसमें डाल दीजिए, ऐसे वाशर लगा दिए। वाशर अच्छा से देख लीजिए सेट हुआ कि नहीं, ये सेट हो गया वाशर। उसके ऊपर से ये जो वाशर दिया हुआ है देखिए चूड़ी वाला वाशर, इसको आप अच्छा से सेट कीजिए इसमें देखिए एकदम बढ़िया से सेट करके, और इसको आराम से इसमें टाइट करना है, हल्का हल्का करके देखिए ऐसे टाइट करना है। ये टाइट हो रहा है, देखिए टाइट हो गया, ठीक है ये टाइट हो गया। अब ये सिंक में सेट हो गया। सिंक में सेट होने के बाद कुछ नहीं करना है, ये आपका वेस्ट पाइप आता है, वेस्ट पाइप इस जगह लगा दीजिए, इस जन का लाइन में डाल दीजिए वेस्ट पाइप को पानी, वेस्ट पाइप को डालने के बाद आपका ये लग गया। लगने के बाद कुछ नहीं, ये जाली वाला टप है, इसको आप आराम से इसमें डाल दीजिए, और डालने के बाद अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पार्टी उटी में जा रहे हैं, चाहे घर बंद करके कहीं रूम आए, आने के बाद खाना का जो भी बर्तन रहेगा गंदा रहेगा जो सूख गया है, इसको लगा देने के बाद आपका ये पानी रुक गया, नल चालू कीजिएगा पानी रुक जाएगा, रुकने के बाद आप अपना जितना बर्तन है बर्तन को आप फुला सकते हैं, फुला दीजिए। और फुलाने के बाद अभी इसको खोलिए, फूल जाने के बाद पानी जितना रहेगा सिंक में सब सिंक का पानी बह जाएगा, और बहने के बाद आपका बर्तन फिर से साफ़ हो जाएगा बढ़िया से, और साफ़ करके अपना जो भी कचरा होगा इसमें निकलेगा उसको आप झाड़ सकते हैं अपने टप में, या टप में डाल सकते हैं, इसे डाल करके और फिर से इसको लगा दीजिए। बस इतना ही है आज का वीडियो, नेक्स्ट टाइम में दूसरी वीडियो हम बनाएंगे, वो आपको अच्छी तरह से दिखाएंगे। इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे और सब्सक्राइब करने और घंटी को क्लिक करने ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।